सिंगरौली में नए आपराधिक कानून को लेकर जन जागृति लाने के लिए पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर 3 नए विधान बनाए गए हैं, जिसको लेकर सिंगरौली के सभी थानों सहित कई स्थानों पर नए कानून की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। ASP शिव कुमार वर्मा ने बताया कि कानून में संशोधन किया गया है। उन्होंने जनता से कहा कि आप सभी सहयोग बनाए रखें, बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए पुलिस का साथ दें और किसी भी प्रकार की आपराधिक घटनाओं की जानकारी पुलिस को साझा करें। पुलिस आपके साथ हर समय खड़ी है। आज 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया संपूर्ण देश में। निश्चित रूप से थाना पुलिस चौकियों में इसको त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। जनता के बीच में इसका व्यापक मात्रा में प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। लोगों को नए कानून के बारे में, उससे आने वाले नए प्रावधानों के बारे में अवगत भी कराया जा रहा है, उनको जागरूक भी किया जा रहा है। लगातार सिंगरौली जिले में सिंगरौली SP साहब के निर्देश पर पूरे जिले में थाना चौकियों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और सभी लोगों को इसमें आमंत्रित करके उनको कानून की जानकारी दी जा रही है। जैसे छोटी छोटी बातें हैं उसमें, जैसे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, 60 उम्र से अधिक उम्र के बुजुर्गों को व्यवस्था दी गई है कि अगर उनका कोई बयान कथन होना है तो पुलिस अधिकारी उनके घर पर जाके बयान लेगा या फिर उनके बताए हुए किसी मनपसंद स्थान पर उसका बयान होगा। लोगों ने जो रिपोर्ट लिखाई है अपनी, उस रिपोर्ट की जानकारी के संबंध में भी उनको 90 दिन के भीतर पुलिस अधिकारी अवगत कराएगा। अगर किसी भी महिला के संबंध में बात आती तो ये अभी तक प्रावधान आ ही गया था, उसमें बताया गया है कि महिला अधिकारी के द्वारा बयान लिखा जाएगा और कोर्ट में भी महिला मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान होगा। इस तरह की बहुत सारी ऐसी सुविधाएं, ऐसा प्रावधान किया गया है जिससे हमारी भारतीय जनता को निश्चित रूप से फायदा पहुंचेगा और अपने कार्रवाई कराने में आसानी होगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।